दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बता दूं, 2 रुपए का एक कॉइन और 20 रुपए का एक नोट के बारे में लेके आ चुके हैं। इस 2 रुपए का एक कॉइन के बदले आपको मिल सकता है 1,20,000 से लेके 1,50,000 रुपए तक, या फिर अगर आपको कलेक्शन भी करना है तो आपको खर्च करना पड़ सकता है इस एक कॉइन के लिए 1,20,000 से 1,50,000 रुपए तक। वहीं जो 20 रुपए का नोट है उसको आपको सेल करना है तो उसको आपको मिल जाएगा 2,000 से 2,500 रुपये। अदरवाइज़ आपको अगर अपने कलेक्शन के लिए 20 रुपये कॉइन जो नोट है वो परचेज भी करना है तो भी आपको खर्च करना पड़ सकता है 2,000 से लेकर 2,500 रुपये तक। तो इन्हीं दोनों नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल हम बात करेंगे, कौन सा वो कॉइन है, क्या मिंटिंग ईयर है, कहाँ मिंट हुआ है, या फिर क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या कोमेमोरेटिव कॉइन है, ये एक एक चीज़ें आप सभी से डिटेल में बात करेंगे। और जो 20 रुपये का नोट है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में हम लोग जाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से आप सेल करेंगे, किस तरह से बाय करेंगे, वो भी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, इस तरह के न्यूमिस्मैटिक हर सही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे। साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप सभी के पास अपने रेयर कलेक्शन में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है फिलहाल में। दोस्तों देखिए, बेसिकली ये जो 2 रुपए का कॉइन है ये एक कोमेमोरेटिव कॉइन है। तो आपको मन में ये सवाल आ रहा है कोमेमोरेटिव कॉइन होता क्या है, तो बेसिकली आपको बता दें, सिंपल सा मैं बता दूं आपको, किसी भी स्पेशल डे, स्पेशल प्रोग्राम हो गया या स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कॉइन्स ढलाई किए जाते हैं उनको कोमेमोरेटिव कॉइन कहा जाता है। तो आज बेसिकली जो 2 रुपए का कॉइन हम लेके आ चुके हैं ये एक कोमेमोरेटिव कॉइन है। तो कौन सा कॉइन है डिटेल बताएंगे, उसका डिटेल्स क्या है वो भी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो 20 रुपये का नोट्स है उसकी डिटेल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 रुपये का जो कोमेमोरेटिव कॉइन है उसके बारे में। दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा लैंड वाइटल रिसोर्स का ये कॉइन है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। कॉइन का अगर एक साइड में हम बात करें तो यहाँ पे अशोक स्तंभ है, उसके जस्ट नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे डिनोमिनेशन 2 लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में भारत रुपए, उसके बाद राइट साइड में इंडियन रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि इंग्लिश में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उसके बैक साइड में, तो बैक साइड में यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉइन है, कॉइन के बीचों बीच एक ट्री है और उसके नीचे पानी का सिंबल दिखाया गया है, और उसके जस्ट नीचे 1992 यहाँ पे मिंटिंग ईयर लिखा हुआ है, और वहाँ हिंदी में लिखा है भूमि मुख्य संसाधन, लैंड वाइटल रिसोर्स, ठीक है ना, राष्ट्रीय भूमि संसाधन एकता। तो ये जो कॉइन है आपका, कॉइन का डिटेल आपको हमने बता दिया, ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और सबसे पहले बता दें ये कॉइन एक्चुअली कॉमन सर्कुलेशन के लिए नहीं था, लेकिन कॉमन सर्कुलेशन में ये कॉइन आ चुका था क्योंकि इसमें जो नोट्स में कॉइन में घिसावट था, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये कॉइन कॉमन सर्कुलेशन में आ गया था। देखिए, भूमि संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता अभियान के एक भाग के रूप में 15 से 21 नवंबर 1992 तक राष्ट्रीय संसाधन संरक्षण सप्ताह मनाया गया था। आप लोग देखो, 15 से 21 नवंबर 1992 तक राष्ट्रीय संसाधन संरक्षण सप्ताह मनाया गया था। इस घटना को मनाने के लिए कोलकाता टकसाल द्वारा 2 रुपए का सिक्का चलाया गया था, यानी कि कोलकाता मिंट द्वारा ये जो इवेंट था इसको चलाने के लिए कोलकाता मिंट द्वारा 2 रुपए का ये सिक्का रिलीज किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ये सिक्के सार्वजनिक प्रचलन के लिए जारी नहीं किए गए थे, मतलब माना तो ये जाता है कि ये कॉमन सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किया गया था, लेकिन सिक्के पर काफ़ी घिसावट यह स्पष्ट है, जिसमें पता चलता है कि कुछ टुकड़े चलन में आ गए होंगे, यानी कि कुछ पोर्शंस, यानी कुछ कॉइन्स जो है चलन में आ गए होंगे। यह गणतंत्र भारत के सिक्कों में सबसे दुर्लभ प्रचलित सिक्कों में से एक है, यानी कि रिपब्लिक इंडिया कॉइन में से सबसे रेयरेस्ट कॉइन में से एक कॉइन इसे माना जाता है। तो ये कॉइन आप लोग, आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा कि ये कॉइन जो है ये क्लासिकल न्यूमिस्मैटिक गैलरी की ओर से 1,20,000 से 1,50,000 रुपये तक इसका एस्टिमेट प्राइस लगाया गया है, लाइव प्रूफ के साथ आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। तो ये कॉइन की अगर हम बात करें तो देखिए, ईयर 1992 है, थीम इसका लैंड वाइटल रिसोर्स है, मिंट कोलकाता में हुआ था, वेट इसका 6 ग्राम है, ठीक है ना। तो ये इस सीरीज़ का ना 2 रुपये का सबसे पहला कोमेमोरेटिव कॉइन था, ये भी आपको ध्यान रखना है, इस सीरीज़ में 2 रुपये का सबसे पहला कोमेमोरेटिव कॉइन यही है। तो लैंड वाइटल रिसोर्स का कॉइन अगर आप सभी के पास है तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए, क्योंकि ये 2 रुपये का सबसे रेयर और पहला कोमेमोरेटिव कॉइन है जो कि आपको 1,20,000 से 1,50,000 रुपये तक दे सकता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल न्यूमिस्मैटिक गैलरी। तो बस आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि आप सभी के पास लैंड वाइटल रिसोर्स का ये कॉइन अवेलेबल है क्या। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा नोट है 200 रुपीज़ का, तो वो नोट कौन सा है।
स्क्रीन पे आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 20 रुपीज का नोट, ये एक स्टार सीरीज का नोट है और ये नोट आपको 2000 से 2500 रुपए तक दिला सकता है। अब देखिए स्टार सीरीज का नोट में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए ये चीज़ आप ध्यान रखो। तो नोट्स की फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो एक साइड गांधी पोर्ट्रेट है और दूसरे साइड यहाँ पे वाटरमार्क है, ठीक है। और ये कॉमन सा नोट है लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखना है वो चीज़ आप ध्यान से रखो। इस नोट में एक एरर भी है तो क्या है वो चीज़ आपको दिखाएंगे। देखिए इस नोट में सबसे पहले आपको इस नोट में देखना है इसका जो ईयर है वो होना चाहिए 2013। उसके बाद इसमें जो प्रीफिक्स है वो है 00N, उसके बाद इंसर्ट इसमें होगा ई, उसके बाद सीरियल नंबर यहाँ पे स्टार्ट होगा *571253। एक चीज़ ध्यान रखना है ये जो सीरियल नंबर है वो स्लाइडली शिफ्टेड है ऊपर के साइड। आप अगर ध्यान से स्क्रीन पे देखोगे तो ये जो सीरियल नंबर है *571253 और जो प्रीफिक्स है 00N वो ऊपर वाला और नीचे वाला भी हल्का सा ऊपर की ओर शिफ्टेड आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो इंसर्ट है ई इंसर्ट जो है वो अपने जगह पे बिल्कुल प्लेस है। तो ये चीज़ इसमें देखना है आपको। अगर आप सभी के पास 20 रुपीज़ का नोट है तो उसमें आप लोग ये ध्यान लगाओ कि जो नोट है उसका सीरियल नंबर क्या स्लाइडली शिफ्टेड है, और अगर शिफ्टेड है तो उसका वो स्टार सीरीज का है, और स्टार सीरीज का अगर होगा तो आप लोग वहाँ पे देखिए प्रीफिक्स 00N, उसके बाद इंसर्ट ई जो कि अपने प्लेस पे प्लेसमेंट है, उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर होगा *571253। तो ये नोट अगर आप सभी के पास है तो आपको ये दिला सकते हैं 2000 से 2500 रुपये तक। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, कमेंट कर देना। तो यहाँ पे दोस्तों प्रूफ के साथ आप सभी को 1-2 रुपये का लैंड वाइटल रिसोर्स का कॉइन दिखा है जो कि 120 से 150 अब तक मिल सकता है, और वहीं अगर आपको परचेज भी करना है तो उस कॉइन के लिए आपको 120 से 150 तक खर्च करना पड़ सकता है। और यहाँ पे जो 20 रुपये का जो ये स्टार सीरीज का कॉइन है जो कि वो भी आप सभी को दिखाया हमें विथ प्रूफ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल न्यूमिस्मैटिक गैलरी, उसको भी अगर आपको सेल करना है तो 2000 से 2500 मिल सकता है। वहीं अगर परचेज कर अपने कलेक्शन के लिए परचेज करना है तो आपको 2000 से 2500 तक खर्च करना पड़ सकता है। तो और देखिए अब बात आती है कि आप इसको कैसे सील करोगे या फिर कैसे परचेज करोगे। तो नोट्स एंड कॉइन्स के एग्जीबिशंस लगते हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सिटीज़ में, तो टाइम टू टाइम ये एग्जीबिशंस लगते हैं। तो एग्जीबिशंस के लिए आपको सिंपली क्या करना, वेट करना है। अगर आप सभी के पास ये जो स्पेसिफिकेशन हमने बताए ये नोट्स एंड कॉइन्स अगर अवेलेबल है तो आप लोग एग्जीबिशंस के लिए वेट करो। आने वाले टाइम में जब भी एग्जीबिशंस होगा आपको चैनल के द्वारा अपडेट दे दिया जाएगा और उन एग्जीबिशंस में जाके इन नोट्स एंड कॉइन्स को सेल कर सकते हो या फिर अपने कलेक्शन के लिए परचेज भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको सेल करना है या परचेज करना है। तो और दूसरे कोई भी जो आपके कमेंट सेक्शन में जो फोन नंबर देके आपको बोलते हैं कि हम एक कॉइन वायर हैं, हम आपसे सेल करेंगे, आपका नोट्स एंड कॉइन्स परचेज करेंगे, तो उनके जहाँ से बिल्कुल ना है क्योंकि वो बिल्कुल फ्रॉड एंड फेक है। तो अब अगर आप लोग वाकई में सेल या फिर परचेज करना चाहते हैं एग्जीबिशंस का वेट करो। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।